Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस लेसन में आपको subtract की ऑप्शन में subtract की ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। नाम से जाहिर है subtract किसी भी चीज में से कोई भी चीज किसी भी चीज को subtract करना minus करना। subtract भी exclude के बाद बहुत ज्यादा यूज होने वाली ऑप्शन है। जब भी आप कोई भी प्लान के ऊपर काम करेंगे बगैर सबट्रैक्ट के बगैर आप काम नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी ऑप्शन है। आई डियर स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को समझते हैं, तो मैं अपने पास ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूं। मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह व्यू डिस्प्ले यूसीएस आइकन को ओरिजिन कर देता हूं और फॉर्मेट यूनिट्स इंजीनियरिंग फिर सरेंज ओके, देन अगेन आप फॉर्मेट में जाएं और यहां से आपको डायमेंशन स्टाइल में जाना होगा, मॉडिफाइड के अंदर जाना होगा, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और क्लोज कर दें इसे। ठीक है, अब ये आपके पास आ चुका है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ऑप्शन पढ़नी है वो क्या है, मॉडिफाइड सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाके मैं आपको जो ऑप्शन बताने जा रहा हूं वो क्या है, सबट्रैक्ट। इससे पहले मैंने आपको ये ऑप्शन बताई थी सॉलिड एडिटिंग एक्सट्रूड, ठीक है, सॉलिड के अंदर जाके मैंने सबको एक्सट्रूड की ऑप्शन बताई थी, लेकिन अभी मैं आपको इसमें से और कोई भी ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। फिलहाल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सी, डायरेक्ट सबट्रैक्ट, क्योंकि इसके बाद हम जल्द अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास ये टॉप है, मैंने एसडब्ल्यू स्टोमेटिक व्यू पे क्लिक किया, मेरे पास ये मेरा व्यूज आ चुका है। अब सबट्रैक्ट करता क्या है, सबट्रैक्ट आपके पास किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में से किसी दूसरे 3D ऑब्जेक्ट को माइनस कर देता है, सबट्रैक्ट कर देता है, उसमें एक होल बना देता है। जैसे आप उसको शेप बनाओगे वो शेप आपको कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन इसके लिए दोनों शेप का सॉलिड होना जरूरी है, याद रखिएगा सॉलिड, क्योंकि हम आपने सरफेस को भी देखा था, सरफेस नहीं, यहां पे सॉलिड ही काम करेगा सबट्रैक्ट के लिए। अब मेरे पास ये एक मेन ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगा देता हूं जो कि दोनों साइड से बाहर है, यहां से भी बाहर है और इस तरह से भी बाहर है। एक और मैं इधर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूं जो कि दोनों तरफ को टच कर रहा है, यानी कि ये दोनों तरफ से बाहर है और यहां से दोनों तरफ से बॉर्डर को ये लाइनें टच हो रही हैं। मैं इनके कलर भी चेंज करना चाहूंगा, अगेन मैंने येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर डाला। अब एक और बॉक्स उठा लें, मैं इसके मिड पे बॉक्स को ड्रॉ कर देता हूं। याद रखें यहां पे ना तो किसी लाइन से बाहर जा रहा है ना किसी लाइन को टच कर रहा है। एक और मैं ऑब्जेक्ट सेम बना लेता ऐसा ही, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने एक तरह से बाहर कर दिया है, यानी कि अब यहां से ये बाहर हो रहा है। अब ये मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है और मुझे सब ऑब्जेक्ट मेरे ये चाहिए। अब आप ई एक्स टी कर दें इस ऑब्जेक्ट को, मेन वाले ऑब्जेक्ट को, मैंने इसको ext किया, ext यानी कि एक्सट्रूड की ऑप्शन लगाई, पॉइंट दे दें और इंटर कर दें। मैं इसे हाइट बताता हूं, इसकी जो हाइट है वो उसको मैं कहता हूं आपके पास 25 फीट की हाइट है, तो ये 25 फीट की हाइट पे देखें ऊपर आ चुका है। अब आपके पास ये व्यूज है, यहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि आप इन व्यूज में जाएं यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहां पे कुछ ये। अब इस व्यूज में आपको एंड तक ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है आपके पास ये दोनों तरफ से बाहर है। देखिए ऐसे है, यानी कि आप इसको किसी भी टाइम पर एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो। मैंने आप इसको इधर एडजस्टमेंट कर दिया, लाजमी नहीं होता कि आप पहले लगाएं, आप बाद में भी लगा सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। अब मेरे पास ये आ चुका है, अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां से एक ऑप्शन लगा देता हूं, अगेन कौन सी वाली आपको, क्योंकि इस व्यू में ठीक दिखाई नहीं देता, इधर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इस व्यू में जा सकते हैं, अगेन ext यानी कि एक्सट्रूड लगाएंगे, एंटर कर दें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दें, मैं ये वाला कर देता हूं, एंटर कर दें। अभी आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है, तो मैं इसको देता हूं 12 फीट की हाइट, तो मैंने इसको 12 फीट की हाइट दे दी है। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऐसा आ चुका है। अब मैं अगर आपको इसको दूसरी तरफ से दिखाऊं मूव करके, तो देखें ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो दोनों तरफ से मेरे पास बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ ये शेप मेरे पास निकली हुई है, यहां से भी बाहर है और इधर से भी बाहर है। अब इसमें शेप पे आ गया और यहां पे देखें आपको इधर से भी जाता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इधर आ जाए।
अब आपने क्या करना है, अपने आपको मॉडिफाइड, सॉलिड एडिटिंग, और ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा था वो क्या है, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कैसे काम करता है देखिए, सिंपल, इसके ऊपर आप क्लिक कर डाले, मैंने क्लिक किया। अब आपने उस ऑब्जेक्ट को पहले क्लिक करना है जिसमें से आप सबट्रैक्शन चाहते हो, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो, यानी कि जिसके ऊपर इफेक्ट नजर आया आपको, तो ऑब्जेक्ट मेरा ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यानी कि आप इसको ऑब्जेक्ट ए कह सकते हो। ए और स्पेस लगाने से क्या होगा, अब आपके पास दूसरा आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू, जिसके जरिए, जिसकी मदद से आप सबट्रैक्शन का फंक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं या सबट्रैक्शन को आप देना चाह रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेरा ये वाला है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं एंटर कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर देखें कट्स बना हुआ आ जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि ये लाइन मेरे पास दोनों तरफ को बाहर निकल रही थी, तो देखें डियर स्टूडेंट्स दोनों तरफ से ये शेप आपके पास कट्स में नजर आ रही है। इसी तरह से अगेन मैं इधर आ गया हूं, अब मेरे पास ये लाइन है जो दोनों तरफ का अपने पास टच कर रही है। ई एक्स टी, एंटर, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और अगेन आप इसे एंटर कर दें। अब अगेन ये आपसे हाइट पूछ रहा है, तो अब मैंने फिर इसको हाइट दे दिया, वही 12 फीट की दे देता हूं, मैंने 12 फीट की हाइट दे दी। थ्री शेप पे चलते हैं, अब देखिए यहां पर वो आपको शेप नजर नहीं आ रहा, जबकि आप हिडन व्यू में आएंगे तो देखिए अब आपको इधर भी नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको दाएं से बाएं घुमाऊं देखें आपको दोनों तरफ ये शेप नजर आ रहा है, यानी कि एक ऐसी ऐसी शेप जो दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रही है। अच्छा अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, इधर से तो दिखाई नहीं देता, इस व्यू में चले जाएं। एस यू शॉर्टकट है किस चीज की, मॉडिफाइड सॉलिडिटिंग, इस कमांड की जो शॉर्टकट है वो क्या है, एस यू। एस यू एंटर करने से आपके पास सबट्रैक्ट की कमांड एक्टिव हो जाती है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है या आप इसको एंटर कर दें। अब अगेन मेथड वही है, पहले आपने ए ऑब्जेक्ट यानी कि मेन ऑब्जेक्ट एंटर, फिर आपने बी ऑब्जेक्ट, अगेन आप इसको एंटर कर देंगे। अब देखें अगेन आपके पास कट्स बने हुए आ चुके हैं। अब याद रखिएगा ये शेप दोनों तरफ से बॉर्डर्स को टच कर रही थी, तो सेम, बिल्कुल सेम इफेक्ट हुआ, यानी कि अगर आप दोनों तरफ से बाहर हो फिर भी आपके पास कट वही बनेगा, अगर आप दोनों तरफ से बॉर्डर को टच कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स फिर भी आपके पास कट बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब इसमें इस व्यू में चला गया, अच्छा वापस आप इस व्यू में आ जाएं, ये मैं इधर आ गया। अब अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं, अब मैं फिर इसको ऊपर दूंगा ई एक्स टी, मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखें आधा अंदर है आधा बाहर है, ई एक्स टी सिलेक्ट एंटर, 12 फिट्स की मैंने हाइट दे दी है। अब देखें ये मेरे पास 12 फिट्स हाइट पर आ गया है, लेकिन आधा ये बाहर है और आधा ये अंदर की जानब है। अब अगेन मॉडिफाइड सॉलिडिटिंग और सबट्रैक्ट है, लेकिन इस मरतबा में एस यू सबट्रैक्ट, मेन ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, इंटर करें। अब आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें जिसमें से आप सबट्रैक्शन चाह रहे हैं, फिर इंटर करें, तो देखें आपके पास अगेन कट्स बना हुआ आ जाएगा, लेकिन इस टाइम पे आपके पास सिर्फ कट उतना ही बना हुआ आया है जो शेप आपके पास क्या थी, बाहर की जानब थी, सॉरी अंदर की जानब थी, बाहर वाली को ये ऑटोमेटिकली माइनस कर देता है। अब एक शेप जो मिडिल पे है, इसको मैं यहां पे 100 फीट की हाइट देना चाहूंगा, दैट स्पेस ई स्पेस, देखें अभी आपके पास 100 फीट की हाइट पर आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूं जब इसको सबट्रैक्ट करूं देखते हैं क्या होता है, क्या ये कितना बड़ा होल बनाएगा, सोचे इस चीज को, एस यू सबट्रैक्ट, इसमें से एंटर, इसको ये देखें आपके पास डेफिनेटली वही काम होगा, जो चीज बाहर होगी वो ऑटोमेटिकली, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपसे गायब हो जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और ऑब्जेक्ट मैं इधर बना लेता हूं आपके लिए, मैंने एक और यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूं, ext नियर अबाउट 100 फीट, ये मेरे पास 100 फीट का एक वॉल है। अब मैं इधर एक डिजाइन बना लेता हूं यहां पे F8, मेरे पास ये लाइन है और अगेन मेरे पास ये लाइन है, मिरर, एक पॉइंट ये है दूसरा ये है, मैं यहां से इसका एक सेंटर लेना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है। अब मैं पॉइल लाइन लूंगा PL, आपके पास एक पॉइंट आपके पास ये है, ऐसे आपने आर्क इंटर की, पॉइल लाइन PL, पॉइल लाइन है आपने ये ले लिया,
इसे एक पॉइंट देते हैं ए ट्रिगर दें आर्क के लिए, वन टू और ये थ्री। देखिए मैंने तीन पॉइंट इधर लगा दी। इसी को अगर आप मूव मिरर कर दें दूसरी जानब को एफ एट करके, तो देखिए आपके पास एक स्टाइल बना हुआ आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, बाउंड्री लगा देता हूँ, बी ओ फॉर बाउंड्री, पिक इसके अंदर चला गया। अब ई एक्स टी अगर आप इसे करें, क्योंकि आपने इसको बाउंड्री बना दिया है, मैं इसको ई एक्स टी कर देता हूँ तकरीबन 10 फिट का। तो देखिए मेरे पास ये शेप 10 फिट की हाइट पर आ चुकी है। ठीक है, मुझको ये शेप चाहिए थी। अब आप 3D ऑपरेशन में जाते हुए मॉडिफाइड के अंदर एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, अब देखिएगा इसको मैं 90 के ऊपर ले आया। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया था, मैं मॉडिफाइड के ऊपर गया, 3D ऑपरेशन के ऊपर गया, रोटेट 3D। मैं आपको बहुत मरता बता चुका हूँ, ये बहुत ही यूज होने वाली कमांड है। इंटर एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, 90 का आप इसे एंगल दे दे, आपके पास ये आ गया। अब सिंपली आप रोटेट उठाएं, क्लिक करें, एंटर दे दें, इसे एक पॉइंट ये है दूसरा इधर है। अब आप मूव करें इसे, मिडल से मैंने मूव किया, मैं इधर ऑब्जेक्ट के मिडल पे लेके चला गया। अब मेरे पास देखें ये इसके बिल्कुल मिडल में आ चुकी है शेप, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो अगेन आप मूव की कमांड लगाएंगे, मूव के ऊपर क्लिक करें या एम प्रेस कर दें कीबोर्ड से। तो मैं एम प्रेस करता हूँ, एम सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। अब एक पॉइंट यहां पे दे दें नीचे, पॉइंट देने के बाद शिफ्ट एट द रेट एक्स पे फंक्शन नहीं करना, जीरो वाई कामा पहली वे जीरो कामा जीरो कामा, और अब आप इसको वैल्यू दे सकते हैं 12 फिट से कोई भी आप जो हाइट देना चाहेंगे। तो मैंने इसको 12 फिट जमीन से ऊपर कर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स मुझको ये कट्स में वैल्यू चाहिए, तो एस यू सब्ट्रैक्ट क्लिक करें, एंटर करें और आप इधर आए तो आपके पास देखें, आपको अब ये आइडिया तो हो गया होगा अपने शेप किधर अपने ऊपर लेकर गए, अपने माउस को इधर लेके जाएं, क्लिक करें और एंटर कर दें। तो देखें आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल वैसा ही आपके पास एक कट्स बना हुआ आ जाएगा। देखा, आपके पास आपकी दीवार के अंदर ये कट्स बना हुआ आ चुका है। अगर इसका कलर चेंज कर दूं तो देखें आपके सामने ये कलर नजर आ रहा है, ऑफिस में इधर आ गया हूं, इसको मैंने इधर क्लिक कर दिया। अब मैं अगर इसको यहां से इसको थोड़ा सा गोल करना चाह रहा हूं, तो देखें आपको मैंने फिलेट की ऑप्शन बताई थी, फिलेट यहां पे आपके पास रेडियस है, आप आर एंटर करें और इसे कोई वैल्यू दे देते हैं। मैं इसे देता हूं 6 इंच की वैल्यू दे देता हूं। कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे यानी कि बॉर्डर पे क्लिक करें, एंटर एंटर कर दें। देखें आपके पास ये 6 इंच का यहां पे गोल हो चुका है। ज्यादा करना चाहते हैं फिलेट आर से रेडियस, मैंने इसको वैल्यू दे दी है यहां पे 2 फिट की, ये सामने वाला पॉइंट दिया और एंटर कर दें। फिर इधर आए, ये देखें वापस फिलेट की पर क्लिक करें और ये कॉर्नर्स पे क्लिक करें, एंटर एंटर कर दें। ठीक है, ये देखें अब यहां पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर वैल्यू का फर्क आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको वैसे ही एक बगैर किसी वैल्यूज के मैंने इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई की थी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से ऑप्शन रिपीट करके देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मैं यहां पर आया, टेक्निक देखिएगा, फिलेट और रेडियस आर एंटर कर दें और यहां पर मैं इसे कोई भी वैल्यू देता हूं, जैसे मैंने इसको दे दिया 1 फिट की, मैं इसको 1 फिट की वैल्यू देता हूं। अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो आप इसके बॉर्डर को क्लिक कर दें, फ्रंट वाले बॉर्डर को क्लिक किया, एंटर करें और अगेन इसे एंटर करें। ठीक है, वापस आप फिलेट के अंदर चले जाएं, फिर इस बॉर्डर को क्लिक करें और ये रहा, वापस फिलेट के ऊपर आ जाएं, बॉर्डर को क्लिक करें, ये रहा। इस मरतबा देखता हूं क्योंकि इस मरतबा वैल्यू मेरे पास कम है, देखा आपने जो आपके पास वैल्यूज कम होगी तो ये आपके पास फिर ये यानी कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ज्यादा होगी आप उसको वैल्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो काम फिर नहीं होता। तो ये रहा मेरे पास। अब मैं इसको क्या करूंगा, कलर चेंज करके देखता हूँ। तो देखिए ये मैंने कलर चेंज किया, ये रेड कलर किया, चले येलो ही कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ये शेप अब ऐसी बनी आ चुकी है। तो ये रही डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की कमांड, आज की ऑप्शन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट मैंने आपको कहा हमारा बहुत ही यानी कि ज्यादा यूज होने वाली कमांड है, ये हमारे पास मोस्टली यूज होती है, इसके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए हमेशा की तरह आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xbacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट देने ले लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स
अगर आप हमसे फुल डीवीडीज ऑटो कैट परचेज करना चाह रहे हैं जिसमें आपको मुकम्मल कोर्स आपको बताया गया है हाउ टू यूज ऑटो कैट, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। या इसके अलावा आप ऑटो कैट की तैयार करदा एक सीडी जिसके अंदर हमने सेक्शन एलिवेशन मैप कलेक्शन आपके लिए रेडी की हुई है वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com या हमें हमारा स्काइपी आईडी है xpacademy, या आप हमारी हेल्पलाइन पे किसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स में, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो मोस्ट वेलकम 0343-901-777-9 पे। डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।